तो दोस्तों यहाँ पे हमने ये पूरा का पूरा जो है ब्रैकेट मोल्डिंग के साथ हमने इसको पूरा बना दिया है। अभी इसके बैक साइड भी हमको सेम चीज़ करनी है। तो मैं अभी बैक रिलीफ लेता हूँ, ठीक है, और इसको डुप्लीकेट करता ठीक है। चलो अभी सेम चीज़ मुझे बैक साइड पे भी चाहिए है, तो मैं इसके लिए बैक रिलीफ में जाऊंगा और सेम चीज़ में इधर पेस्ट करूंगा। ये मैंने पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब ये बैक साइड की रिलीफ हो गई, और जब मैं फ्रंट व्यू में जाऊंगा तो ये फ्रंट साइड की रिलीफ हो गई। अभी मैं दोनों को एक साथ तो नहीं देख सकता हूँ, ठीक है। तो आपको अगर दोनों एक ही साथ में ये करना है एक्सपोर्ट, तो आप यहाँ पे जाइए, क्रिएट ट्रायंगुलर मेश में, ठीक है, क्लोज विथ इन्वर्टेड फ्रंट करिए, फिर क्लोज विथ बैक रिलीफ करिए, ठीक है। और सबसे पहले ओपन मेश तो जो दिख रहा है वैसे का वैसे ही आ जाएगा, ठीक है। अभी क्लोज विथ फ्लैट प्लेन करोगे तो बैक साइड में प्लेन आ जाएगा। तो ये दोनों में कोई दोहरा नहीं है। ओपन मेश में खाली ये एक सरफेस आएगा, क्लोज विथ फ्लैट प्लेन में एक बैक साइड में इसको वॉल आ जाएगी, मतलब ये जो है ओपन एरिया वो भर जाएगा। क्लोज विथ इन्वर्टेड फ्रंट करोगे तो देखिए क्या आएगा। उससे पहले मैं दिखाता हूँ, क्लोज विथ बैक प्लेन करोगे तो क्या आएगा। ठीक है, तो ये हो रहा है मेश क्रिएटिंग, बॉटम फेस मेश। देखते हैं अभी ये क्या होता है। बेटर ऑप्शन था हमारा ये क्लोज विथ इन्वर्टेड फ्रंट। अभी ये देखिए, ये पूरा ये हो गया, उसके साथ मिक्स मिक्सअप हो गया है क्या उसका, ये तो ये बराबर नहीं हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे अपना एक ही ऑप्शन बराबर आएगा, क्लोज विथ इन्वर्टेड फ्रंट। अभी उसको मैं लेके दिखाता हूँ। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कंप्लीट रोटेटेड, रोटेट करके आप देख सकते हैं इसका कंप्लीट इन्वर्टेड बैक भी उसके साथ ही जुड़ गया है, ठीक है। तो इस प्रकार आप इसको ट्रायंगुलर मेश में जो रिक्वायर्ड है उसके हिसाब से आप इसको सेव कर सकते हैं। अभी ये इसकी आपकी इसका वेट दिखाएगा, इसका वॉल्यूम, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स दिखाएंगे, ठीक है। और 3D प्रिंटिंग में ये सब चीज़ें काम आएगी आपको, क्लोज विद ऑफसेट का जो ऑप्शन है, और ये ओपन मेश। क्लोज विद ऑफसेट क्या रहता है, सरफेस जो भी अभी वो ओपन मेश में क्या है उसकी एक पर्टिकुलर मेश की साइज, जो कि अभी एक आधा सरफेस मास्क, अपना जो मास्क रहता है हम जो मुंह पे लगाते हैं उसकी एक पर्टिकुलर थिकनेस होती है। तो यहाँ पे आप जब क्लोज विद ऑफसेट करोगे
तो वो उस जब भी आप लोगे तो उसकी थिकनेस के हिसाब से वो क्लोज हो जाएगा, ठीक है। No, 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 no.